देखिए आज ये दीदी का जो दीदी जो प्रोग्राम दिया है द्वारे का द्वारे सरकार, इसमें जो प्रोसेस है प्रोसेस ठीक है, लेकिन जिस तरह से पब्लिक का भीड़ भाड़ है, इस प्रोसेस से पब्लिक का जो काम होना था इस तरह से काम नहीं हो रहा है। इसलिए हम एक बार वीडियो को हम रिक्वेस्ट करेंगे आपको, पब्लिक का अगर काम जल्दी और इजी में प्रोसेस में करना है तो वार्ड वाइज प्रत्येक वार्ड वाइज करके काम को करना पड़ेगा। अगर वार्ड वाइज काम नहीं करेगा तो कितना पब्लिक का काम छूट जाएगा और गड़बड़ भी हो जाएगा। इसलिए हमारा ये रिक्वेस्ट है वीडियो साहब से भी, आप कृपया वीडियो साहब ये जो काम आप द्वारे सरकार का काम जो हो रहा है इसको अगर सफल करना है, इजी प्रोसेस से पब्लिक को सुविधा देके करना है तो आपको हर मेंबर वाइज करके इस काम को करना है, तो हर आदमी को हर पब्लिक खुशी रहेगा। अगर इसी तरह होगा तो कोई किसी का काम इतना इजी से नहीं होगा और हर पब्लिक को हेरसमेंट हो रहा है। और सर हम लोग के पास कंप्लेन आया हुआ है कि जो आदमी सुबह 9 बजे से लाइन में लगा रहे हैं वो लोग 11-12 बज चुका है लेकिन अपना काम नहीं हो पा रहा है, गुस्सा से निकल जा रहा है, मतलब पूरा भीड़ के ये 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 आदमी पब्लिक गुस्सा होने का कारण यही है कि पब्लिक सुबह घर से आकर लाइन में टोकन के लिए लाइन में खड़ा है, सुबह से लेकर खड़ा है लाइन में। ये लाइन में जितना 1 घंटा 1.5 घंटा पब्लिक खड़ा रहा है, लेडीज़ लोग भी खड़ा रहे हैं और इसी तरह खड़ा रहेंगे तो उसको लेडीज़ लोग को परेशान होगा। लेडीज़ लोग 1 घंटा 1.5 घंटा अगर खड़ा रहेंगे लाइन में टोकन के लिए, अगर ये बिना टोकन में अगर फॉर्म डायरेक्ट फॉर्म देके भरेंगे तो थोड़ा इजी प्रोसेस हो जाएगा, तो लेडीज़ पब्लिक को भी थोड़ा सुविधा रहेगा और इस और ये पब्लिक लोग कोई रिटर्न वापस घर नहीं जाएंगे। और एक बात तो भैया, मतलब बहुत आदमी का ये कहना है कि ये जगह जो है ना स्कूल बहुत छोटा पड़ गया, इससे बेहतर आप लोग का जो जयगांव कॉलेज था उसमें करने से बेहतर था, इसके बारे में आप कुछ बोलिए। देखिए ये पहले हम लोग का प्रधान कौन डिक्लेयर किया ये हमको ही पता नहीं है, प्रधान हो सकता है हम लोग का कोई बड़ा कोई आदमी डिक्लेयर किया ये स्कूल का सिलेक्शन किया है स्कूल में, तो अभी हम लोग सोच रहे हैं वीडियो साहब को बोल के कॉलेज में शिफ्ट करेंगे। हाँ कॉलेज में एरिया भी बड़ा है, वहाँ पर पब्लिक के लिए थोड़ा सुविधा भी रहेगा, वहाँ टॉयलेट बाथरूम का भी सुविधा है। इसलिए हम लोग अभी रिक्वेस्ट करने वाला सब मिलकर रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो साहब से कि अभी तीसरा चरण जो होगा हम लोग का कॉलेज में शिफ्ट करा दीजिए बोल के हम लोग सब रिक्वेस्ट करेंगे। धन्यवाद। अच्छा ओके।